नमस्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी के पत्ते का सहंदा। सहंदा बनाने के लिए हमने ये पत्ते को तोड़ के रख लिया है। अब इसको हमने धुल के अच्छे से साफ कर लिया है। सबसे पहले हम इसका ये जो डंठल है इसको चाकू की सहायता से कट कर देंगे। इसको कट करके निकाल के सारा हम रख लेंगे तैयार करके। अभी हमने पत्ते को अच्छे से कट कर लिया है। इसके जो डंठल थे इसको हमने काट के निकाल दिया है। इधर हमने प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, काली मिर्च का पेस्ट बना के रख लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे, एक कटोरी। जिस हिसाब से पत्ता है उसी हिसाब से हमें बेसन डालना है। हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा से, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। पहले हमने जो पेस्ट बनाया है उससे मिक्स करेंगे, बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अभी हमने पेस्ट बना के तैयार कर दिया है। हम इसको साइड में रख देंगे। एक हम बड़ी थाली लेंगे ऐसे बड़ी सी, इस पर हम पत्ता रखेंगे। पत्ते को हमें उल्टा रखना है ऐसे, और इस पर थोड़ा सा ऐसे पेस्ट लगाना है ऐसे करके। हमें हाथ से ही लगाना है, हाथ से बहुत अच्छे से लग जाएगा। ऐसे हम पत्ते पे ऐसे पेस्ट लगाते जाएंगे, और इसके ऊपर हम दूसरा पत्ता रखेंगे ऐसे करके उल्टा। इस पे भी लगाएंगे हम, इसके ऊपर तीसरा पत्ता भी रखेंगे। हमें ऐसे 6 से 7 पत्ते रख लेना है एक दूसरे के ऊपर। थोड़ा मोटा हो जाना चाहिए इसका। ऐसे हम लगा के तैयार कर लेंगे। अभी हमने अच्छे से लगा दिया है। अब हमें इधर से इसको बहुत अच्छे से पतला पतला फोल्ड करेंगे ऐसे करके, ऐसे दबा दबा के इसको। हमें लास्ट में फिर थोड़ा ज़्यादा बेसन लगा देना है जिससे एक दूसरे से चिपक जाए ऐसे करके। अभी ये चिपक गया है अच्छे से, देखिए ऐसे। थोड़ा हम बेसन लगा के इसको अच्छे से सेट कर देंगे। इधर जो किनारा है हम इसमें बेसन लगाएंगे थोड़ा से अंदर, और ये पत्ते को हम अंदर ऐसे दबा देंगे हाथ से। देखिए अभी अंदर अच्छे से ये भी फोल्ड हो गया है। इधर हम थोड़ा से बेसन लगा देंगे, इधर भी ऐसे हम करेंगे। अभी हम ऐसे सारा रोल बना बना के रख लेंगे जितना पत्ता है। अभी हमने मोमोस वाला स्टैंड ले लिया है, इसमें पानी डाल दिया। इधर हमने जो पत्ता का बनाया था रोल उसको रख देंगे। इसमें छेद है थोड़ा थोड़ा बीच में, इसमें रख के ऐसे करके इसके ऊपर हम दूसरा रख देंगे। इसको भाप लगाएंगे कम से कम 5 से 6 मिनट तक। इसको अच्छे से भाप से पकने देंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे। अभी हम इसको चेक कर लेंगे पक गया है कि नहीं। चाकू लेंगे, चाकू को हम इसे थोड़ा से हल्का से दबाएंगे। देखिए अंदर से आटा नहीं लग रहा इसका कुछ, तो समझ लीजिए अच्छे से ये पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसको निकालेंगे। अब हम चाकू लेंगे, चाकू की सहायता से इसको निकाल लेंगे, एक एक प्लेट में रख लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और अच्छे से पक भी गया है। हमने अभी सारा निकाल दिया। अब इसको हम कट करेंगे। अभी ये पूरा बनके नहीं तैयार हुआ है। अभी हम इसको पतला पतला कट करना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कट करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। ऐसे हम कट कर लेंगे, ऐसे कट करके हम सारा रख लेंगे ऐसे कट कट करके। अभी हमने सारा कट करके रख दिया है। इधर हमने तवा रखा है रोटी बनाने वाला। अब हमने तेल डाल दिया है सरसों का। हम इसको सरसों के तेल में ही फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है, हम ऐसे बीच में रखेंगे एक इसको, फिर दूसरा भी रख देंगे। अभी ये जब हल्का हो जाएगा इधर से हम इसको साइड कर देंगे। हम इसमें दूसरा भी फ्राई करेंगे। अभी हम इसको टच नहीं करेंगे, थोड़ा अच्छे से नीचे से फ्राई होने देंगे। अब हम इसको दूसरी साइड पलटेंगे। देखिए एक साइड से हो गया है, कलर कितना अच्छा आया है। इधर भी हम पलट के इसको थोड़ा फ्राई करेंगे ऐसे। हम इसको साइड साइड लगा देंगे, इसमें और डाल देंगे थोड़ा से। अब हम इसको भी पलट देंगे। दूसरी साइड भी हो गया है, हमें इसको निकालना नहीं है। वैसे तेल हल्का से तवा पे करके इसको साइड में कर देंगे ऐसे साइड में। ये अच्छे से और पक जाएगा। हम इसमें दूसरा डाल देंगे बीच में ऐसे करके। ऐसे करके हम सारा पका लेंगे अच्छे से।
अभी हमने सारा सेंधा फ्राई करके रख दिया है अच्छे से। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे एक एक करके। ऐसे सारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हमने सेंधा बना के तैयार कर दिया है, अच्छे से फ्राई भी कर दिया है। कलर कितना अच्छा आया है। आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है।